ये देखो यार, ये जो बॉडी चेस करवा रही है ना वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर बाद फिर मुलाकात हो रही है हमारी आप लोगों के साथ। वजह बताओ लास्ट वीक। वजह छोड़ो, आवाम को वजह से गर्ज नहीं है। जहाँ पे आए वो बताओ, मेन पॉइंट के ऊपर आओ। कहाँ पे आया? हाँ जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आवाम बड़ा याद करती है आपको। रियली? अच्छा जी, आज हम लोग आए हैं इंतहाई तेज तरीन रेस्टोरेंट के अंदर। उसका नाम है कैफे 5G। पाकिस्तान में कैफे कैफे कह रहा हूँ, गलत हो गया। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कंटिन्यू करो यहीं से, हो जाता है। नया नया बच्चा तैयार हो रहा है। क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा हूँ? नहीं आ रहा, नहीं आता मुझे। अच्छा, इसको गैर मरई मखलूकात नजर आती है रात के वक्त, तो इसको इग्नोर करें। जी कैफे 5G आए हैं हम। किधर है कैफे 5G? है किधर है? UCP के बिल्कुल साथ है। सामने UCP है यार, सामने UCP है। वो देखो आपको उसका घंटा नजर आ रहा है। ये UCP है, ये UCP का मालिक है। अच्छा जी, तो फिर भाई माहौल कैसा लगा? यहाँ का आपको अभी हमने दिखा दिया, ठीक है। और जो है आज हम लोगों ने डिफरेंट मेन्यू बनाया है, ठीक है। मैंने भाई अभी तो हम यहाँ से पहली बात उड़ के जाने लगे थे, इनको पता चला उड़ के जाने लगे, इन्होंने खान साहब की कवालियाँ लगा दी पीछे। अच्छा जी, तो मेन्यू में जो है मैंने मंगवाया है अपना शवारमा। रैप कहते हैं रैप, शवारमे और रैप में फ़र्क है भाई। अच्छा चलो ठीक है जी, मैंने आज मंगवाया चिकन चीज़ रैप, जो इन्होंने कहा भाई हमारा बहुत मज़े का होता है। आप बताएं आपने क्या मंगवाया? मैंने भी अनोखी चीज़ ही मंगवा ली है आज। हाँ कुछ तूफानी होने वाला है। स्वीट एंड सावर चिकन। ये क्या है? नाम चेक किया? ऊपर से मेरा स्टाइल चेक किया तूने? उसमें बताएं ज़रा क्या डाल रहा है, मीठा पाइन एप्पल। अच्छा जी, और दानी साहब आप बताएं, आपने क्या मंगवाया? सर मैंने मंगवाया कैशियो नट, ढेर सारा काजू डाल के। उसने कहा गर्मी बहुत है, मैं कहा उस्ताद कच्ची लस्सी पिलेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलो जी फिर आता है तो फिर आज ही आपको फिर चेक कराते हैं। और जो है ये रूफ टॉप के ऊपर है, बड़ा मस्त माहौल है इधर, ठीक है। और क्या मस्त, और म्यूजिक बड़ा अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। और मैं कहता हूँ हाँ हाँ, देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे सबसे मज़ेदार कोने वाली सीट मिल गई है, समझ नहीं आया ना। अच्छा जी, आपको बताएं जी, हमारा ब्लॉग हमारा इतना लेट क्यों आ रहा है, ठीक है। उसकी रीज़न हाई साहब है, हाई साहब मतलब कि अब्बास साहब। हाँ जी अब्बास साहब, हमारा ब्लॉग क्यों लेट आया इतना? हमारा ब्लॉग इसलिए लेट आया क्योंकि भाईजान मसरूफ आदमी है, बहुत हमारे पर जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, चार बच्चे हैं। क्या ये बंदा सही बात कर रहा है? इससे बड़ा मुनाफिक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी खूबसूरत बात, अगले प्राइम मिनिस्टर आप। भाई लास्ट टाइम ब्लॉग ना बनाने की रीज़न ये थी, हमारे अब्बास और फाई साहब को कमर में चुक पड़ गई थी, ठीक है। दरअसल जो थोड़ी सी डॉक्टरी जानती है, जिनको थोड़ा सा आइडिया है, इनकी L5 मिल गई थी। आई साहब L5 बताएं क्या होती है? L5 नहीं कहते, L5 जो है वो डिस्क स्लिप हो गई थी मेरी। डिस्क क्या है दोबारा बोले आप जी? कौन सी डिस्क? L5 डिस्क स्लिप हो गई थी। अच्छा तो हुई क्यों थी, उसकी वजह की थी, क्या कह रहे थे साहब? भाई जान मैं एक देखें जी, मैं प्रो बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, ठीक है। फिजिक चैंपियन जो मैंने लड़ी थी, 12 इंच का इसका बाइसेप है। तो उसकी प्रैक्टिस के दौरान जो है मुझे ये कमर की जो दर्द थी वो निकली थी, और अभी तक ये चल रही है। आपका भाई जो है कोई टाइटल होगा आपके पास, आपने इतना बॉडी बिल्डिंग लड़ी हुई है आपने? मैं फिजिक चैंपियन मतलब कि उसकी ट्रेनिंग कर ही रहा था, तो उसके दरमियान में अच्छा बीच में ही हो गया जो था वो फिजिक चैंपियन लाहौर का बन जाना था, और उसके बाद मिस्टर लाहौर के लिए चल तेरा इंटरव्यू नहीं, जितना सीरियस होकर बता रहा।
अच्छा जी, रीज़न आपको पता चल गई है, तो आप लोगों ने अगर जितना भी गुस्सा होता आना हमारे ब्लॉग ना आने का, क्योंकि हमारे व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत सारे हैं, बेशक बेशक और वो नाराज़ हुए बैठे होंगे कि भाई इनका इस हफ्ते ब्लॉग नहीं आया, तो जी हम माजरत ख्वाएँ, हमारी ऐसा हमारी थोड़ी सी नाजुक हज़ीन है जिस वजह से हमें ये मसले पड़ जाते हैं कभी कभी, आगे भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप समझ रहे हैं वो मेरी वजह से नहीं है, बात साहब की वजह से डिले हुआ है, ठीक है। बताओ नाइन पॉइंट फाइव या 8.5? That's right, that's right. अच्छा है, चिकन भी अच्छा है, साथ में सॉस है, तो क्या कौन सी ब्लैक पेपर सॉस लग रही है मुझे तो। अच्छा तो इतना उदास ही हुआ, क्या हुआ है? बहरहाल बाबा जी अच्छी चीज़ें साथ में आई है हमारे पास, फ्राइज। अच्छा फ्राइज कैसे हैं? तो मैम सॉस बहुत कमाल है, ये इसको क्या कहते हैं मेरे ख्याल से मस्टर्ड सॉस है, ये जो भी कहते हैं मज़ा आ रहा है, मस्टर्ड सॉस है बस है, लाल सॉस है, लाल सॉस। अच्छा आप बताएं जी कैसा है? यार पता नहीं, लेकिन उसने काजू के साथ जो इंसाफी की है ना, इंसाफी है ना, इंसाफी इंसाफ ही है, इंसाफ ही है, काजू कमाल है यार उसने। ये देखो यार ये जो बॉडी चस करवा रही है ना, अच्छा जी वैसे ओवरऑल क्या टेस्ट है, कैसा है? अच्छा चलो गुड है यार। कब से रुका हुआ? शुरू हो गया? हो गया भाई, शुरू हो गया। ये अंदर पाइनएप्पल इधर आया है उनका, रुको जरा सबर करो। हाँ जी क्या हुआ है, ये क्यों हंसी था? अरे यार ये हंसने की क्या रीजन है, वाम देख रही है जल्दी बताओ। हाँ आपके भाई के आपके भाई ने पैसे जाया कर दिए मैंने बहुत खाया, बस ये एक मेन्यू में कोई ऐसी चीज थी जो मैंने नहीं खाई थी और वही आज वो ट्राई की, मैंने कहा चलो आज ये भी ट्राई कर लेते, मगर फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों ट्राई किया, मैंने क्यों ट्राई कर, फोकस कर, फोकस कर, अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट डर हाल नहीं भाई, ये ट्राई नहीं करना, चिकन एंड सॉर चिकन, नहीं क्या था, सॉर सॉर खा भी, सॉर एंड स्वीट चिकन आपने ट्राई नहीं करना यहाँ पे आगे कभी भी जिंदगी में, आपकी ज़िंदगी अगर उस पर मुनहसर है, आप पे डिपेंडेंट है, तब भी नहीं करना। मतलब कि आज भी तुम बताओ आग लगी है कि नहीं? नहीं लगी यार मुझे ना, चलो यार छोड़ दो बात कर दो, मैं बहुत मायूस हूँ, बंद कर दो यार। चलो जी हाँ जी, अच्छा जी ओवरऑल इतना बुरा नहीं था, लेकिन एक चीज़ जो है ना वो बड़े ख़राब है, अगर तो वो ठीक होती तो मैं कहता हूँ टेस्ट और अच्छा आता, वो ये है कि जो इनकी ये जो पराठा है ना ये बहुत हार्ड है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, तो जो ब्रेड है बेसिकली इनकी, हाँ जो ये ब्रेड इन्होंने जो भी यूज़ की, हाँ वो बहुत हार्ड है, तो इस वजह से जो है ना, नंबर दे, नंबर दे, नंबर दे, नंबर यार रहने दे, आज नहीं दे दे, तो 6.5 पे आ गया, 6 दे या 7 दे, 6.5 क्या आता जो जरा मिड लेवल तक, मैं नंबर देता हूं, ऊपर है 5 से ऊपर है, मैं नंबर देता हूं 032 हराम ही हो बेटा, असली समझ इसकी भाई के हालात बहुत खराब है भाई, 25 साल की उम्र हो चुकी है मगर अभी तक शादी नहीं हुई है और मसला पता है ज्यादा कहाँ पे बना है, जो ज्यादा काजू खा रहे हैं ना यार। अच्छा जी खा भी लिया हमने,
ऐसा आपका सर नीचे गया हुआ बहुत ज़्यादा मायूसी। नहीं नहीं, मेरा रैप था, बाकी रैप जो था और ओवरऑल जो था वो अच्छा था, ठीक है। उसके अंदर जो उसकी ब्रेड मैंने बताई थी वो थोड़ी हार्ड थी, अदरवाइज मेरा जो रैप था वो सीख था। बाकी अपना तुम रिव्यू दे दो। मेरा तो यार बिल्कुल अच्छा नहीं था, माजरत कैफे 5G, आपने मायूस किया बहुत ज़्यादा भाई को दिल से। बट इन्होंने खुद जो रिकमेंड किया था ना, इसने वो नहीं मंगवाया तो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा हो। रिकमेंडेशन क्या, जब मेन्यू में लिखा हुआ है इतनी से अच्छा होना चाहिए, कुछ चीज़ें फिर नहीं ना होती, जाहिर सी बात है हर जगह का। बहरहाल ये कह रहा है इसका अच्छा था, बेहतर था, कतई बेहतर था हमारे वाले से। मेरा भी नहीं अच्छा था, और जो दानियाल ने कैशन स्ट्राइक किया उसको भी नहीं बिल्कुल पसंद आया था। बाकी एम्बियंस के लिए आप लोग आना चाहते हैं, आए ऊपर बैठ के चाय पीएं और कोई ड्रिंक्स वगैरह। चाय पीनी हो तो है, यस यस, चाय पीनी आप जरूर है, उसके अलावा आप ना। चले नहीं, इंशाल्लाह ताला अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आग लगा दें जी, आग लगा दें। अल्लाह हाफिज़।